आपने वो बर्थडे पार्टी वाला कुछ देखा? सो बेसिकली यहाँ पे जो विधा, जो छोटी बच्ची है, उसके लिए एक परशा एक बहुत ही बड़ी पार्टी अरेंज करता है, वो चौल में रहता है। तो वो जब उसको विप्लव के साथ देखता है कि विप्लव उसको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दे रहा है, तो ये डिसाइड करता है कि कुछ भी होगा लेकिन मैं ऐसी पार्टी दूंगा जो बड़े बड़े अमीर लोग करने वाले को बुलाता है एंड ऑल दैट। तो उसके लिए कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने पैसे उधार भी लिए हुए हैं मनी लेंडर्स से। तो अभी यही देखना है कि उधार के पैसों से वो कुछ ऐसा बड़ा करना चाहता है जैसे विप्लव और दूसरे लोग ऐसे आंखें फाड़ के देखने लगे और देखते रह जाए। सो दैट्स, रहा था जोकर को लेकर अरे वो कुछ नहीं है। सो कहानी में ऐसा होता है कि जो जोकर उसको प्रॉमिस किया गया है वो आता नहीं है एंड मोमेंट पे। तो उसको ऐसा लगता है कि इतनी सब कुछ अरेंजमेंट हुई है, उसने प्रॉमिस भी किया है अपनी बच्ची को, कि तो इसलिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन में है। तो क्या जोकर आएगा विविधा को, क्योंकि पर्सन विविधा को ऑलरेडी ये प्रॉमिस जोकर किया हुआ आएगा था। कि नहीं आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता। काश, मैंने आगे की स्क्रिप्ट अभी तक मुझे मिली नहीं है, सो आई डोंट नो कि जोकर आएगा कि नहीं आएगा। बट या जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा 100%। फैंस के लिए कौन फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे यार, हम यही बोलना चाहते हैं कि आप ये शो देखिए। तो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है इस कहानी में। सो आई रियली होप कि आप सबको वो पसंद आए, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आए। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू।